चलो आज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन रिवाइज करते हैं। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर ले पाएंगे क्योंकि फिर सर को 11th के लिए ये आईडी लगेगी ना, तो एक आईडी पे दो दो एट ए टाइम दो लेक्चर्स नहीं चल सकते हैं। सो 1 घंटे का ही ले पाएंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा अपना चैप्टर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन, क्या बोला था मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन में? इम्प्लिसिट फंक्शन इज बेसिकली व्हाट? मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई। इम्प्लिसिट फंक्शन इज बेसिकली व्हाट? मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, इट इज मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई। सो यस, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है? हम एट अ टाइम पूरे टर्म को, पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। हम एट अ टाइम क्या करते हैं? पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यस लेट्स चेक इट आउट। क्या हो जाता है फिर? ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4x² वाई इज इक्वल टू 0। 4x, ठीक है, 4x² वाई इज इक्वल टू 0। चलो ट्राई आउट, कोशिश करो पहले तुम लोग, फिर मैं बताती हूँ। पहले तुम कोशिश करो। गेटिंग कैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना? इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब विच इज मिक्सचर ऑफ व्हाट? एक्स एंड वाई। इम्प्लिसिट फंक्शन मीन्स व्हाट? मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई। तो ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है? अपन क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं साइमल्टेनियसली। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना, तो क्या हो जाएगा फिर? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, आई मीन डी एक्स, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब विद डी एक्स, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4x² वाई विद डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा? यस, व्हाट शुड आई डू? डिफरेंशिएशन ऑफ 3x³ क्या आ जाएगा? 3x² प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब क्या आ जाएगा? 3y² बट x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। x की जगह पे कौन आया है? y आया है, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। यहाँ पे 4 को बाहर निकालो, 4 को बाहर निकाला, डिफरेंशिएशन ऑफ x² वाई विद डी एक्स इज इक्वल टू 0। मेक इट यू इंटू वी, सो वेन एवर आई विल परफॉर्म यू इंटू वी, व्हाट इट वुड बी? 3x² प्लस 3y² dy by dx प्लस 4 इंटू वी du by dx प्लस u dv by dx इक्वल टू 0 ना। वी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, अब कितना हो जाएगा फिर? ये 3x² प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y, x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x प्लस x² इंटू ये 4 अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सो 4dy by dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा फिर? यस, dy by dx को कॉमन ले लो, 3y square प्लस 4x square
डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट करो, व्हाट इज दिस, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इसको भी शिफ्ट करो, व्हाट इज दैट, माइनस एट एक्स वाई. तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया फिर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स वाई अपॉन थ्री वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर. डन. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर. ऑल राइट, तो इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या करते हैं अपन, एट अ टाइम डिफरेंशिएट करते हैं हर एक टर्म को. ओके, एट अ टाइम हर एक टर्म को अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड. एक्स रेस टू वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई. नाउ योर राइट हैंड साइड इज इन द टर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ ई रेस टू एक्स. ये किस फॉर्मेट में है, ई रेस टू एक्स, और ये क्या है, फंक्शन रेस टू फंक्शन. दिस इज व्हाट, फंक्शन रेस टू फंक्शन, है ना, दिस इज फंक्शन रेस टू फंक्शन. सो लॉग तो लेना पड़ेगा वैसे भी, है ना, लॉग तो लेना पड़ेगा. लॉग ऑफ एक्स रेस टू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वाई. इसको शिफ्ट कर दो आगे, वाई लॉग एक्स, इसको शिफ्ट कर दो आगे, एक्स माइनस वाई लॉग ई, और लॉग ई वन होता है, लॉग ई क्या होता है, वन होता है. तो क्या आया फिर अपने पास, वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई. अब डिफरेंशिएट करेंगे, चलो तुम ट्राई करो अभी, यू ट्राई आउट फटाफट. आर आई सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई लॉग एक्स विथ डी एक्स इक्वल टू. क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लेक्चर ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वही मैं सोच रही, 22 का ही अटेंडेंस है. कुछ इश्यूज है क्या, उसके कुछ पर्सनल इश्यू भी हो सकते हैं, पता नहीं. एक मिनट, हाँ जूम का इश्यू हो सकता है, जूम का इश्यू हो सकता है. श्रावणी तेरी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आई गेस ये कोई 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 लोगों के केस में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं.
अभी क्या कर सकते हैं, टेक्निकल इश्यूज ही हो सकता है कुछ, क्योंकि कितने 23 अटेंडीज है अभी। हाँ ऐप अपडेट, चलो वो भी सजेस्ट करती हूँ मैं। चलो ठीक है, देखते हैं फिर अभी भी कितने हो गए। हाँ 23 लोगों ने ज्वाइन किया है, तो मे बी अपडेट का ही प्रॉब्लम होगा। यस, तो डिफरेंशिएट dx बाय dx माइनस डी वाई बाय डी एक्स, तो दिस इज यू इन टू वी, सो वी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स इज 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स। यू इन टू वी रूल लगाया ना अपन ने, वी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू dv by dx equal to 1 minus dy by dx. Okay, so log x dy by dx plus y, differentiation of log x is what, 1 by x equal to 1 minus dy by dx. तो ये सब कुछ होने के बाद अपन क्या करते हैं, dy by dx को एक साइड में रखते हैं। ओके, डी वाई बाई डी एक्स को अपन एक साइड में रखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड में रखो, अंदर क्या बचा, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स को इस साइड में रखो माइनस वाई बाई एक्स। ओके 24 हो गया अभी, मतलब किसी का तो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया। 30 आई एक्सपेक्ट एक्चुअली, बिकॉज मिनिमम 30 नंबर तो रहता है रिवीजन के लिए। अभी दो क्लासेस का जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से 30 पीपल तो रहते हैं ऑन एन एप, मतलब एक मिनिमम नंबर 30 लोगों का रहता है। सो आई कैन से दैट 30 पीपल आर इंटरेस्टेड इन द रिवीजन, तो हो गया सॉर्ट आउट प्रॉब्लम। यस पूर्वा, देखो एक बार रिवाइज करती हूँ मैं सब कुछ। इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव के टाइम पे एग्जैक्टली करते क्या है अपन, पूरा एक्सप्रेशन। इम्प्लिसिट फंक्शन मींस व्हाट, एवरीथिंग इज मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, तो एक्स एंड वाई का पूरा एक्स मिक्सचर हो जाता है। ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने होता है जो पूरा मिक्सचर है एक्स एंड वाई का, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं अपन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 3x² देन y³ देन दिस इज योर 4x² y, तो यस x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 3x², y³ का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 3y² dy by dx, एंड दिस इज 4 कम्स आउटसाइड, देन दिस इज u into v, एंड आई हैव अप्लाइड व्हाट, u into v रूल। सो व्हाट इज दैट, v du by dx प्लस u dv by dx, ओके v du by dx प्लस u dv by dx। अब क्या हो जाएगा फिर, यस 4y 2x देन दिस इज 4x² डी वाई बाई डी एक्स, है ना, देन व्हाट वी डू, वी कलेक्ट दिस डी वाई बाई डी एक्स, सो व्हाट इज दैट 3y² एंड 4x² देन शिफ्ट दैट 3x² ऑन दिस साइड, शिफ्ट दिस 8xy ऑन दिस साइड, सो व्हाट इट इज माइनस 3x² माइनस 8xy, एंड अगेन सेम थिंग एट अ टाइम अपन को एक्सप्रेशन को, पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइमल्टेनियसली। सो यहाँ पे क्या करेंगे फिर, यहाँ पे अगेन आई एम गोइंग टू टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, व्हाई इज दिस सो, यहाँ पे लॉग ऑन बोथ दी साइड्स क्यों करेंगे, बिकॉज हियर आई एम हैविंग फंक्शन रेज टू फंक्शन। फंक्शन रेज टू फंक्शन का मीनिंग मैंने बताया है, फंक्शन रेज टू फंक्शन का मीनिंग है बेस में भी कॉन्स्टेंट नंबर नहीं चाहिए एंड पावर में भी कॉन्स्टेंट नंबर नहीं चाहिए। फंक्शन रेज टू फंक्शन का मीनिंग क्या है, बेस में भी कॉन्स्टेंट नंबर नहीं चाहिए और पावर में भी कॉन्स्टेंट नंबर नहीं चाहिए,
दोनों जगह पे फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे x भी क्या है, फंक्शन है, y भी क्या है, फंक्शन है, बट e इज नॉट ए फंक्शन. ओके, e इज नॉट ए फंक्शन. सो यस, प्लस वन चाहिए ना यहाँ पे. ओके ओके, देयर इज अ लिटिल मिस्टेक. ठीक है, अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं एक्सप्लेनेशन पहले. तो लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, तो y आगे आ गया, सो लॉग x, x माइनस y आगे आ गया, लॉग e, और लॉग e क्या होता है, वन होता है ना. सो दिस इज y log x, x माइनस y. अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड पे, तो क्या हो गया, y log x, dx by dx, dy by dx. ओके, सो v du by dx plus u dv by dx equal to dx by dx is 1 minus dy by dx. तो मैंने क्या किया, dy by dx को एक साथ ले लिया, y by x को यहाँ पे शिफ्ट किया, ये 1 as it is है, this 1 is as it is. ठीक है, so dy by dx को इस साइड शिफ्ट किया, dy by dx को कॉमन लिया, फिर अपन ने log x अंदर बचा और 1 अंदर बचा. ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे, माइनस वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स, और ये जो है वन प्लस लॉग एक्स विल बी डिनोमिनेटर. एक्स ऊपर चाहिए, कहाँ पे ऊपर चाहिए, बोलो श्रावणी क्या हो गया, व्हाट हैपेंड बोलो. सही है ना सब कुछ. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं अभी. एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स वाई, चलो इम्प्लिसिट है ना, बिकॉज इट इज मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई, सो इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन. चलो ट्राई टू सॉल्व इट, कोशिश करो फास्ट. करते गुड मॉर्निंग. तो रिवीजन अटेंड कर रहा है तू, क्या बात है. चलो इट इज नॉट ऑफलाइन. अरे वो कल लेने वाली थी मैं ऑफलाइन क्लास, लेकिन फिर हुआ ऐसा कि मैंने सोचा रिवीजन लेक्चर ही जरूरी है, बिकॉज़ सब लोग हैं यार ऑनलाइन में आज, तो ऑफलाइन वाले सब रहते हैं क्या ऑनलाइन में. ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने की कोशिश करो, पूरा सब अटेंड करते हैं आप ते को छोड़ के. चलो तो log a into b है ना, तो सेपरेट करो उसको. log a into b क्या होता है, log a plus log b होता है ना. सो एक्स वाई इज इक्वल टू log a plus log b, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. गलत टाइम पे बीमार मत पड़ो, हाँ बस अपूर्वा एग्जाम पास आ रही है बेटा, बीमार नहीं पड़ रहा है, पढ़ना है हमें बिल्कुल. dxy with dx equal to differentiation of log x with dx plus differentiation of log y with dx. Okay, so kya ho jayega fir? Yes, this is u into v na, u into v. Okay,
तो यू इंटू वी लगाओ फिर, वी डी यू बाई डी एक्स, वी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंसिएशन 1 बाय एक्स, लॉग वाई का डिफरेंसिएशन 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स. ओके, तो डी एक्स बाई डी एक्स इज 1, सो इट बिकम्स वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स. नाउ कलेक्ट दिस डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस वाई. तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालो, इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस वाई. नाउ डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई एलसीएम 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स. ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1. सो 1 माइनस एक्स वाई एंड एक्स वाई माइनस 1 ये दोनों जब कट हो जाएंगे तब माइनस 1 आएगा ना, बिकॉज दैट माइनस साइन इज टेकन आउट, दैट माइनस साइन इज टेकन आउट. सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा फिर, माइनस वाई बाई एक्स. डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा फिर, माइनस वाई बाई एक्स. सो दिस इज द आंसर. तो लॉग एक्स वाई को स्प्लिट करना जरूरी है, बिकॉज दैट विल गिव यू द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन एंड योर क्वेश्चन विल बी इजियर. ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं लेने वाली हूँ अभी रिविजन में, बिकॉज अभी तीनों करते बैठेंगे तो फिर यार टाइम का भी लिमिट है ना अपने पास. तो इनफैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड में से फर्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यस एटलीस्ट दोनों तो कर ही लेते हैं. फर्स्ट वन क्या है वो, एक्स रेस टू 5 वाई रेस टू 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू 12. अभी ये फंक्शन रेस टू फंक्शन का फॉर्मेट तो नहीं है, लेकिन देर आर लॉट मेनी मल्टीप्लीकेशन, लॉट मेनी पावर्स है ना. सो आई एम गोइंग टू टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड्स ऑन इन दिस केस, बिकॉज देर आर लॉट मेनी मल्टीप्लीकेशन है ना. एक्स रेस टू 5 इंटू वाई रेस टू 7 ऐसे मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है. तो यस वेन एवर देर आर लॉट मेनी मल्टीप्लीकेशन, वेरी बिग इन बिग नंबर्स इन द पावर, वी गो फॉर व्हाट, लॉगरिथम. सो टेक लॉग ऑन बोथ दी साइड्स. एक लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स रेस टू 5 वाई रेस टू 7 लॉग एक्स प्लस वाई रेस टू 12. सो ये मल्टीप्लीकेशन है, सो आई एम गोइंग टू सेपरेट इट आउट, सो इट बिकम्स व्हाट, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू दिस 12 विल कम इन फ्रंट, सो क्या हो जाएगा फिर, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई. This 5 will come in front and 7 will come in front. So 5 log x plus 7 log y is equal to 12 into log of x plus y. All right. Okay. अब क्या करोगे, अब साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएट करो है ना. अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया ना, वैसे ये भी इम्प्लिसिट ही था, बट दैट वाज नॉट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, सो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता था, तो इस वजह से अपन ने क्या किया, पहले लॉग लिया, लॉग ए बी का रूल लगाया, लॉग ए प्लस लॉग बी. ठीक है, सो यस नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो क्या हो जाएगा फिर, डिफरेंशिएटिंग 5 log x dx प्लस डिफरेंशिएटिंग 7 log y with dx, sorry, and differentiating this. तो क्या हो जाएगा फिर,
फाइव को तो बाहर लेंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स हो गया, सेवन को बाहर लेंगे, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन वन बाय वाई हो गया, ट्वेल्व तो ऑलरेडी बाहर है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वाई, बट एक्स की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे x की जगह पे कौन था, y था, तो इसकी वजह से मैंने dy by dx से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x की जगह पे कौन है, x plus y है, तो उसके डिफरेंशिएशन से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, यहां तक देखो कुछ प्रॉब्लम है क्या, इस स्टेप तक कुछ इश्यूज है क्या, प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ देयर आर एनी क्वेरीज टेल मी फास्ट। स्टार्ट में क्या करना है समझ में नहीं आता, इस पे एक ही सोल्यूशन है कि प्रैक्टिस करते रहो, मतलब अगर तुम सिर्फ बोर्ड्स के बारे में सोच रहे हो तो यू शुड नो ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज जो है वो एटलीस्ट ऐसे प्रैक्टिस करो कि देख के पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या आता है और ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो इतनी प्रैक्टिस करो, मतलब थर्ड रिविजन काइंड ऑफ होनी चाहिए तुम्हारे एग्जाम तक, थर्ड रिविजन आई एम सेइंग, एक तो मैं ही करा रही हूँ रिविजन, दो तुम लोगों को करने हैं। तीन रिवीजन अगर हो जाता है ना सब याद आ जाएगा। तो क्या हुआ फिर यहाँ पे, फाइव अपॉन एक्स है ना, आई एम गेटिंग हियर व्हाट, फाइव अपॉन एक्स प्लस सेवन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। कार्तिक तेरा प्रॉब्लम ही अलग है भाई सच में, डी एक्स बाई डी एक्स इज वन and this is what dy by dx, okay, so multiplied inside, 5 upon x plus 7 upon y dy by dx, 12 upon x plus y ko andar multiply karo, 12 upon x plus y plus isko andar multiply karo, 12 upon x plus y dy by dx, isko kya ho gaya, aise kyun chal raha hai pen, इसको और इसको क्लब करो, इसको और इसको क्लब करो, दिस विल कम ऑन दिस साइड है ना, तो क्या आ जाएगा फिर, सेवन अपॉन वाई माइनस ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस फाइव अपॉन एक्स, ऑल राइट, तो मल्टीप्लाई करो इस साइड, तो क्या हो जाएगा, 7 into x plus y minus 12y upon y into x plus y, सिंप्लीफाई किया ना अपन ने इसको, एलसीएम लिया इसका, बस ये तीन क्वेश्चंस ना थोड़े से अलग है, मतलब यहाँ पे थोड़ा स्ट्राइक होना मुश्किल हो जाता है, एंड कैलकुलस का सबसे मेजर पॉइंट क्या है पता है क्या, कैलकुलेशन का सबसे मेजर, कैलकुलस का सबसे मेजर प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं दैट इट इज, जब सारे क्वेश्चंस एक साथ आते हैं तो समझ में नहीं आता है कौन से टाइप के अंडर आता है ये, है ना, डिफरेंशिएशन का तो भी समझ में आता है लेकिन इंटीग्रेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, सो दिस एंड दिस विल गो आउट, सो व्हाट इज लेफ्ट, 7x प्लस 7y माइनस 12y अपॉन y dy बाय dx, 12x माइनस 5x माइनस 5y अपॉन x, ठीक है ना, तो dy by dx ये इस साइड शिफ्ट करो, dy by dx is equal to 12x minus 5x, it is 7x minus 5y upon x into y upon, इसको भी सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 7x minus 5y, है ना, ये 7x है, ये minus 5y है, यहाँ पे ये 7x है, ये minus 5y है, तो this and this will go, so dy by dx is equal to y upon x, that is your answer, all right, okay, तो ये हो गया तुम्हारा answer, कुछ problem है तो बोलो, कुछ problem है तो बोलो।
ऑल राइट, चले फिर आगे. अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, गो थ्रू इट वंस, टेक वन मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो मुझे. फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करूंगी मैं, थर्ड वाला कर लेना तुम खुद से, वो हमने किया है वैसे क्लास में, रेगुलर क्लास में सॉल्व. सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है वैसे तो. ओके चले फिर आगे. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में से क्वेश्चन नंबर टू क्या है वो. इफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई प्लस ए, आई वांट यू टू ट्राई इट फर्स्ट. हमें यहाँ पे प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस थिंग वी नीड टू प्रूव. चलो ट्राई टू सॉल्व इट. Yes, how to solve it? Done. इसने तो पूरा सॉल्व किया होगा. Yes. Obviously, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, log a भी है तो उसको स्प्लिट करना पड़ेगा log a प्लस log b, है ना. तो log of x plus y equal to log a plus log b प्लस ए. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ना सो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई विथ डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई विथ डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद डी एक्स. डिफरेंशिएशन ऑफ ए क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना. सो ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, तो उसको लॉग एक्स की तरह ट्रीट करो उसको, एंड देन व्हाटएवर इज इन प्लेस ऑफ एक्स उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. दिस इज व्हाट, वन बाय एक्स. हमने कहा बोथ दी साइड्स लॉग लिया है, हमने बोथ दी साइड्स लॉग लिया ही नहीं, मैंने सिर्फ लॉग का यूज क्या किया, इसको स्प्लिट करने के लिए किया है. टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स अपन यहाँ पे कर ही नहीं रहे, ठीक है.
समझ में आ रही ना बात? हियर आई एम यूजिंग लॉग ए बी, सो विच इज लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसा. इसको लॉग लगने का कोई टेंशन ही नहीं है अपन को वैसे भी. तो लॉग वाई क्या हो जाएगा फिर? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई, इट इज वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ए इज जीरो. ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ ए इज वॉट? जीरो. अब क्या हो जाएगा? वन अपॉन एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स इज वन एंड दिस इज वॉट डी वाई बाई डी एक्स. ये क्या आ जाएगा फिर? वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो. वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स. अब ये दोनों डी वाई बाई डी एक्स जो है उनको कलेक्ट करो. ठीक है ना, दोनों डी वाई बाई डी एक्स जो है उनको कलेक्ट करो. तो कैसे कलेक्ट करेंगे? वन अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई. ठीक है, अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो. वन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन सॉरी वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई एज एन एलसीएम लिया अपन ने और कुछ नहीं. सो दिस एंड दिस विल गो आउट. यहाँ पे y एंड माइनस वाई विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड आउट, x एंड माइनस एक्स विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड आउट. तो क्या बचा फिर अपने पास? माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई 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 अपॉन एक्स. बचता है क्या? हाँ बचता है ना, x बचता है ना यहाँ पे. ओके x बचता है यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद. सो y अपॉन x. फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड माइनस साइन इज एज. देख लो जरा क्या क्या किया अपन ने. सेम कैलकुलेशन है जो हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था. डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड में लेके फिर कॉमन लिया था, फिर विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले जो है उनको एक साइड में लेके कॉमन मतलब सॉल्व किया था. वैसे ही है, कुछ अलग कुछ नहीं है. ओनली द थिंग इज यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई बचता है, वहां पे कुछ तो कैंसिल आउट हो रही थी चीजें. तो ये है क्वेश्चन तुम्हारा. कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो. Done? Yes. Getting it? अब देखो 3.5 exercise. 3.5 exercise में derivative of parametric function है. Okay? So this is derivative of parametric function. सो क्वेश्चन नंबर वन का आई टेक थर्ड वन. पहले तुम कोशिश करोगे ऑब्वियसली. डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है? आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग इन शॉर्ट. ई रेज टू 40 प्लस 3. क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन? व्हाट वी डू, वी टेक डी वाई बाई वी नीड टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली. बट यहाँ पे वाई इक्वल टू कुछ एक्सप्रेशन ऐसा तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा. तुम्हें तो अलग अलग एक्सप्रेशन दिखेंगे.
एक में x को एक्सप्रेस किया है t के टर्म्स में, दूसरे में y को एक्सप्रेस किया है t के टर्म्स में, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy by dx. ओके, तो dy by dx फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, y किसके फॉर्मेट में है, किसके टर्म्स में है, t के टर्म्स में है. सो आई विल फाइंड आउट dy by dt. x किसके टर्म्स में है, t के टर्म्स में है. देन आई विल फाइंड आउट dx by dt. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, I'm going to divide these two things. That is, I'm going to divide dy by dt by dx by dt to get what? To get dy by dx. समझ में आ रही है ना बात? Okay. तो चलो फिर try to solve it. dy by dt पहले find out करो, then dx by dt find out करो, and then divide these two things. डन. ओके, चलो तो dy by dt पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर अपन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. तो क्या हो जाएगा फिर, dx by dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू 3t विद dt. एंड यहाँ पे एट द सेम टाइम आई विल बी परफॉर्मिंग dy by dt ऑल्सो. अच्छा ठीक है, फाइव है क्या वो? ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस टू 4t प्लस 5 विथ dt. ठीक है, सो व्हाट इट इज, हाउ मच इज dx by dt, ट्रीट इट लाइक e रेस टू x ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e raise to 3t, but whatever is in place of this, I'll have to multiply by its differentiation. So 3t के differentiation से multiply करो, I'll get it as 3 ना, I'll get it as 3. यहाँ पे dy by dt क्या हो जाएगा फिर, dy by dt, इसको e raise to x की तरह treat करो, क्या हो जाएगा, e raise to x, whatever is in place of x, उसके differentiation से multiply करो. तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ 4t प्लस 5 विद dt, हाउ मच इज दिस, 4. ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा फिर, dx by dt 3 into
ई रेस टू थ्री टी डी वाई बाई डी टी फोर इंटू ई रेस टू फोर टी प्लस फाइव. क्या करना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. सो वट इज डी वाई बाई डी टी, फोर इंटू ई रेस टू फोर टी प्लस फाइव अपॉन थ्री इंटू ई रेस टू थ्री टी, फोर बाई थ्री. अब देखो इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज वॉट, ए रेस टू एम माइनस एन. सो ई रेस टू फोर टी प्लस फाइव माइनस थ्री टी, सो फोर बाई थ्री ई रेस टू फोर टी माइनस थ्री टी इज प्लस टी एंड दिस इज वॉट प्लस फाइव, इट इज वॉट प्लस फाइव. All right, okay, done. ठीक है ना. Next is question number टू का second. क्या है ये, x is equal to under root of 1 plus u square and y is equal to log of 1 plus u square. So let's try to solve this. आज भी कंप्लीट नहीं होगा शायद ये चैप्टर यार. नहीं हो गया ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इतना कुछ नहीं है, वो तो ठीक है, उसका एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. तो अगले क्लास से पर अपन इंटीग्रेशन का रिवीजन शुरू, नहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रहेगा. यस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रहेगा, उसके लिए एक क्लास तो लगेगी ही मोस्ट प्रोबेबली. उसके भी चार एक्सरसाइज है ना. दो क्लास लगेगी फिर उसके लिए, और मतलब अगला एक क्लास है उसका नेक्स्ट. चलो, x इज फंक्शन ऑफ u एंड y इज फंक्शन ऑफ u. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, I'm going to differentiate them with respect to u. Yes, differentiating with respect to u. Okay. क्या आ जाएगा फिर, dx by du 1 upon 2 root of 1 plus u square. कैसे किया अपन ने ये differentiation? It treat it like root x. Root x का differentiation क्या होता है, 1 upon 2 root x होता है. तो 1 root of 1 plus u square का differentiation क्या होगा, 1 upon 2 root of 1 plus u square होगा.
इनटू जो भी अंदर आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो, बट यहाँ पे दैट वुड बी रिस्पेक्ट टू यू, है ना। तो क्या हो गया फिर ये, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2u अपॉन 2 इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर। सो व्हाट इज dx बाय du, ओके नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू u, dy बाय du डिफरेंशिएटिंग log ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर with du. So log x is 1 upon x na. Now whatever is in place of x uske differentiation se multiply karo, it is necessary. Okay, to kitna hua fir ye, 1 ka differentiation 0, u square ka differentiation 2u upon 1 plus u square. Okay, ab kya karna hai hume? नेक्स्ट dy by dx हमें फाइंड आउट करना है, dy by dx is what, dy by du upon dx by du. So dy by du कितना हो जाएगा 2u upon 1 plus u square, dx by du कितना हो जाएगा u upon under root of 1 plus u square, है ना। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, 2u अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर अपॉन u. सो दिस हाँ करेक्ट है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन 1 प्लस u स्क्वायर को, क्या लिख सकते हैं अपन, देखो जरा रूट में लिख सकते हैं ना दो बार, आई कैन राइट इट लाइक this and this will go, so what is left, 2 upon under root of 1 plus u square is the answer. ठीक है, all right, problem हो तो बोलो। done ना, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर टू का थ्री जो है ना उसका बस डायरेक्शन देती हूँ मैं, क्या है क्या बोला है उन्होंने, देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली दो मार्क्स के लिए पूछते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट 5 रेस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल लेंगे एंड इसको एक वेरिएबल लेंगे, तो अपन इसको लेते हैं लेट से u और इसको लेते हैं लेट से v, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 रेस टू x विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू log x, बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ 5 रेस टू x विथ रिस्पेक्ट टू log x, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 5 रेस टू x को अपन क्या लिखेंगे, du, एंड log x को क्या लिखेंगे, dv। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, du by dv फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली। तो du by dv फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले इनको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब तुम लोग क्या करोगे, du by dx फाइंड आउट करोगे, dv by dx फाइंड आउट करोगे, एंड देन यू विल टेक देयर डिवीजन। सो du कैन बी रिप्लेस्ड एज du by dx, dv कैन बी रिप्लेस्ड एज dv by dx, and then I'm going to divide these two things, this and this, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम प्रोसीड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर थ्री बचता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट दैट डिफिकल्ट, सो आई विल बी टेकिंग वन और टू क्वेश्चंस फ्रॉम इट एंड देन वी विल मूव टू व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो अटेंड द रिवीजन रेगुलरली, चलो बाय बाय।